जय हिंद। 13 सितंबर 1916 को क्यों हाथी को दी गई फांसी बाय अमेरिकन गवर्नमेंट? आखिर क्यों? हम लोगों ने तो सुना है कि इंसानों को दिया जाता है फांसी की सजा, लेकिन यहाँ पर तो हाथी को यानी जानवर को दी गई, आखिर क्यों? तो इसके पीछे का मिस्ट्री यानी इतिहास को हम लोग जानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है कि एक हाथी को दी गई फांसी की सजा। चलिए शुरू करते हैं। आज से करीबन 106 साल पहले चार्ली स्पॉर्क नाम का एक व्यक्ति टेनिसी में स्पॉर्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम का एक सर्कस को चलाता था। उस सर्कस में कई जानवर थे जिसमें एक मैरी नाम का एशियाई हाथी भी था। बताया जाता है कि एक दिन उस मैरी यानी उस हाथी का महावत उसको छोड़कर यानी कुछ वजह से सर्कस को छोड़कर चला गया। इसके वजह से सर्कस का जो मालिक था वो उसके उस महावत के जगह पर एक दूसरा महावत को रख लिए। अब इस यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, ये महावत भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ये हाथी भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब यहाँ पर इस हाथी को इस महावत को कंट्रोल करने में नहीं बन रहा था। इसी बीच एक दिन सर्कस के प्रमोशन के लिए शहर में एक परेड का आयोजन किया गया। उसमें मैरी समेत सारे जानवरों को लाया गया। अब उस मैरी को बेसिकली क्या हुआ, वहां पर कुछ खाने के लिए दिखा तो वो उसके तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही दौड़ी तो उसका जो महावत था ना उसके कान के नीचे यानी गर्दन पर भाला घोप दिया। अब उस पर भाला घोपा तो वो हाथी गुस्से में आ गई और उसने महावत को नीचे गिरा दिया और उसको उसी समय कुचल कर मार डाला। यह घटना देख कर लोगों की भीड़ इधर उधर भागने लगी। अब इस घटना के बाद कुछ लोग जो दुखी थे वो सड़क पर उतर कर इसको मारने के नारे लगाने लगे। पर उस समय ये घटना धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन ज्यादातर लोग चाहते थे कि उस हाथी को मृत्यु दंड की सजा दी जाए। अब जैसे तैसे तो ये शांत हो गई थी, अब ये लोग भड़क गए। अब यहाँ पर जैसे ही भड़के तो उसके अगले दिन ही अमेरिका के अखबारों ने इसको ऊपर हेडलाइन पर छाप दिया। अब जैसे छापा तो ये पूरे आग की तरह फैल गई ये खबर पूरे अमेरिका में। शहर के लोग सर्कस के मालिक चार्ली स्पॉक से उस हाथी को मृत्यु दंड देने की मांग करने लगी। साथ ही उन्होंने ये भी धमकी दी कि यदि वो हाथी नहीं देंगे तो दोबारा इस शहर में सर्कस को आने नहीं देंगे ये लोग। कई लोगों ने हाथी को कई तरह से मारने की कोशिश की, यानी उसको बताया कि इस तरह मारिए या इस तरह मारिए, उसको ये बताया गया। आखिरकार लोगों के आगे चार्ली स्पॉट को झुकना ही पड़ा और उस हाथी यानी मैरी को मृत्यु दंड देने की सजा सुनाई गई। इस मृत्यु दंड को देने के लिए उसके पास तो कुछ था नहीं, लेकिन उसको एक तरीका सूझा कि फांसी दिया जाए। अब फांसी देने के लिए कुछ भारी चीज को उठाने के लिए तो चाहिए। अब उसके पास एक दिमाग सूझा कि क्रेन मंगवाया जाए, और वो कैसा क्रेन मंगवाया, वो भारी भरकम यानी 100 टन को उठाने वाला क्रेन मंगवाया गया। अब ये हाथी था 5 टन का, अब ये क्रेन उठाता था 100 टन। फिर भी वहां पर बेसिकली क्या हुआ, जब उस हाथी को पहला यानी 13 सितंबर 1916 को जब वो हाथी को फांसी दिया गया, हजारों लोगों के बीच में करीबन 2000 लोग थे वहां पर मौजूद, और किसी को ये माया नहीं आया कि इस जानवर को बेजुबान को सजा दी जा रही। इसके बारे में अभी बात करता हूं। बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि इसको पहली बार जब उठाया गया ना फांसी के लिए, तो उस समय इसको रस्सा से बांधा गया था, बहुत मोटे रस्सा से। अब जैसे ही ऊपर उठा तो ये छटपटाया तो ये बेसिकली नीचे गिर गया रस्सा टूटने के बाद। अब जैसे ही नीचे गिरा तो इसका गर्दन टूट गया। अब वहां पर गर्दन टूटा तो ये मरा नहीं तरफ रहा था। अब इसको फिर से लोगों को कोई भी माया नहीं आया, फिर भी इसको फिर से उठाया यानी चैन से बांधा, चैन से बांध कर फिर इसको उठाया, फिर उसके बाद इसको मृत्यु दंड की सजा दी गई। कैसा खौफनाक ये मंजर था। ये माना जाता है कि ये गूगल पर लिखा हुआ है कि ये जो सजा दी गई है ना, ये इंसानों का जानवर के प्रति सबसे क्रूर समय था। तो आई होप कि आपको इस मैरी का मिस्ट्री समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। और इस वीडियो से कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद, जय भारत।